हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सुप्स। आई होप गाइस आप अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग का मंथ 9 रॉयल पास उसके साथ साथ C2 S5 सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो आप कौन सा टीयर से कौन सा टीयर में डाउनग्रेड हुआ आप लोग कमेंट कर सकते हो। फिलहाल मैं रॉयल पास अभी अपग्रेड नहीं करने वाला क्योंकि उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है, वो है हम लोग का होली धमाका टाइटल या बोल सकते हो 4th एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव टाइटल लेने का काम, और वो चीज़ हम लोग पहले करेंगे। बट जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम लोग 5 रॉयल पास का गिव अवे करने वाले हैं और 4 यूट्यूब से करेंगे, एक डिस्कॉर्ड में तो लगा हुआ है, जब टाइम होगा ऑटोमेटिकली बॉट पिक कर लेगा। तो ये वीडियो का एंड तक देखो, एंड में हम लोग 4 लकी विनर खोजने वाले यूट्यूब कमेंट से, और वो 4 लकी विनर को मैं दोपहर 2 बजे तक यूसी सेंड कर दूंगा और आपको रॉयल पास लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, जो जो बंदे नहीं जीते तो कोई दिक्कत नहीं, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेटिंग। ऐसा नहीं कि ये लास्ट गिव अवे, फ्यूचर में हम लोग और भी गिव अवे करेंगे, चैनल को सपोर्ट करते रहो। और डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो वीकली गिव अवे के लिए, यूसी देते रहते हैं हर एक वीक छोटा मोटा अमाउंट में, तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हो उधर भी अपना लग। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी हम लोग आते हैं मेन टॉपिक में। तो इधर हम लोग सीजन्स में क्लिक करते हैं और उसके बाद आप देख पा रहे हम लोग का न्यू इंटरफेस आ गया जो कि मैं आपको कल ही दिखा दिया था। इसमें साइकिल 2 में क्लिक करेंगे, साइकिल मेमोरीज में क्लिक करेंगे और फाइनली हम लोग का साइकिल मेमोरी मतलब C2 S5 का साइकिल मेमोरी आ चुका है। और इसमें आपको जो एनिवर्सरी या होली धमाका का जो एक्सक्लूसिव सामान है टोटल 8 आपको कलेक्ट करना होगा। सबसे पहले है स्नोमैन, उसके साथ साथ स्नो बोर्ड है, एंशिएंट सीक्रेट है, पिरामिड है, इन्फेक्टेड हेलमेट है, वुड क्रेट है, केक आपको दिखाई दे रहा है और आर्केड मशीन। और इसमें सबसे बड़ा मिथ है उसको मैं बस्ट करने वाला हूँ, कि आप ध्यान से देखना। सबसे पहले जो मेथ जो पबजी या बीजा में क्रिएट किया वो ये है कि आप देख पा रहे स्नोमैन का जस्ट नीचे लिखा हुआ ऑप्टेन रैंडम फ्रॉम पैक इन द थीम मोड इरेंगल। ठीक है, जिसमें इरेंगल लिखा हुआ, चलो ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड वाला में क्लिक करोगे तो इसमें लिखा हुआ ऑप्टेन रैंडम फ्रॉम अ पिक इन थीम मोड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि हर एक सामान अगर आप खोलोगे कुछ ना कुछ मैप आपको दिखाई देगा। तो आप सोचोगे कि चलो ये ऐसे करके पिक करना, जैसे सुकुना फिंगर में हम लोग को ये सब लोकेशन में जाना पड़ रहा था लिविक में एंड इरेंगल में, और तभी जाके हम लोग को ये सामान मिल रहा था। बट मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ ये कम्प्लीटली मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आटो का आटो सामान इरेंगल से ही लिया हूँ, लिविक में नहीं गया हूँ। लिविक में तो मुझे मैं बोलूँगा रिकमेंड भी नहीं करूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा कम क्रेट मिलता है एज़ कम्पेयर टू इरेंगल। तो इधर अगर कोई मैप का नाम लिखा हुआ तो मैं कंसिडर आपको नहीं करूँगा क्योंकि मैप में फॉलो करो, क्योंकि आपको रैंडमली एक ही मैप से आटो का आटो सामान मिल सकता है। मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ कुछ तरीका जहाँ आपको अलग अलग टाइप का क्रेट मिलेगा और उसमें से रैंडमली कुछ मिल सकता है। बट इरेंगल वाला जो पहला तरीका वो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या बोल सकते हो 4th एनिवर्सरी या होली धमाका एग्जीबिशन पार्क। ठीक है, और ये जो पार्क आपको दिखाई देगा इरेंगल का थीम रैंक्ड मोड में, अनरैंक में आपको नहीं दिखाई देगा। सोलो डुओ स्क्वाड कुछ भी खेल सकते हो, जिसमें रैंक कम है आप उसमें खेल सकते हो। और पहला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हो 2 आपको ऐसा एरिया दिख जाएगा जहां सबसे ज़्यादा क्रेट मिलने वाला वो है क्वारी का जो एग्जीबिशन पार्क, और उसके साथ साथ जो स्टैलवर का एग्जीबिशन पार्क जहाँ बहुत बंदे उतरते हैं। तो सही है, बट अगर आप वो जगह को कंट्रोल कर लोगे तो आपको 3-3 क्रेट का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो टोटल अगर दोनों जगह को आप कंबाइन करोगे 6 क्रेट आपको एक ही मैच में आपको इधर ही मिल जाएगा। ज़्यादा आपको इधर उधर घूमने का जरूरत भी नहीं है, बट उधर बहुत बंदे उतरते हैं तो इसलिए आपको उधर कंट्रोल बैठाना होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट यह है कि कोई भी बंदा पहले उतर जाएगा वो सामान को या वो क्रेट को ओपन कर लेगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं। आप बाद में आके भी वो क्रेट ओपन कर सकते हो, तब भी आपको सामान मिलेगा। और आपको एक एग्जीबिशन पार्क या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से 3 क्रेट मिल जाएगा। एक क्रेट आपको थोड़ा सा बाहर मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मैप में, और 2 क्रेट आपको बीच में ही मिल जाएगा, ऊपर नीचे करके आपको दिख जाएगा, और टोटल आपको एक जगह से 3 क्रेट का फायदा मिल जाएगा। ये कैटेगरी नंबर 1 है जो कि बहुत ही यूजफुल है क्योंकि एक ही बार में आपको 3-3 क्रेट मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा भीड़ भी होने वाला, तो इसी चलते जैसे आप प्राइस पे करोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड भी आपको मिलने वाला है। तो अभी हम लोग आते हैं सेकेंड कैटेगरी, वो है कैंप्स। तो पहला वाला कैटेगरी में आपको पता बहुत ज़्यादा भीड़ होगा तो ज़्यादातर लोग मर भी सकते हैं, तो इसलिए मैं सेकेंड कैटेगरी को भी प्रीफर करूँगा जो कि आपको छोटा मोटा कैंप्स दिख जाएगा। और ये आपको बहुत जगह इरेंगल का दिख जाएगा जहाँ कम बंदे आते हैं, जहाँ आप टैकल कर सकते हो। कभी कभी कुछ बंदे आते नहीं, जैसे अगर आप कामिस्की का वो वाला 4 वाला लोकेशन में जाओगे तो उधर उतना बंदा नहीं आता है। उसके साथ साथ अगर आप जॉर्जियो सिटी का पीछे एक लोकेशन देखोगे जहाँ 4 लिखा रहता है, वो जगह में जाओगे तो उधर कम बंदे रहते हैं और उधर आपको एक एक क्रेट मिल जाएगा। अगर आप बाद में भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लूटेड रहने के बाद भी अगर आप क्रेट ओपन करोगे तब भी आपको सामान मिल जाएगा। और ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा
शेल्टर में मिल जाएगा, मेंशन, उसके साथ साथ मिलिट्री बेस में, और ये सब लोकेशन आप क्रेट केवल आपको ओपन करना है। क्रेट अगर नहीं दिख रहा है तो आपको पहले एक्टिवेट बटन को क्लिक करना होगा, क्रेट जैसे पॉपअप होगा उसका क्रेट ओपन करो, उसके बाद आपको इसमें से कोई भी सामान मिल सकता है। फिर मैं बता रहा हूँ रैंडम है, डबल डबल आइटम भी मिल सकता है, ट्रिपल ट्रिपल आइटम भी मिल सकता है, बट मैं आपको अलग अलग कैटेगरी में सॉर्ट आउट कर दिया। अभी जो तीसरा कैटेगरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सबसे बोल सकते हो सेफ कैटेगरी है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर बोल सकते हो कैंप्स एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कुछ कुछ लोकेशन में जाना होगा, पॉपुलर लोकेशन, जिसमें से मैं आपको तीन लोकेशन आपको ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वैसे इरेंगल में इस तरह का लोकेशन भरा पड़ा हुआ। सबसे पहले जो लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ वो है मिल्टा पावर। देखो मिल्टा पावर में कोई भी आपको लोकेशन वाला मार्क उक नहीं दिखेगा, बट ये जो क्रेट है होली क्रेट या बोल सकते हैं एनिवर्सरी क्रेट है वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा मिल्टा पावर का जो वेयर हाउस है बड़ा वाला घर, उसमें साइड में भी आपको एक क्रेट दिख जाएगा, और इसमें कहीं भी मैप में नहीं दिखा रहा कि वो क्रेट आपको उधर दिखेगा, इसलिए लोग भी उतना ज़्यादा आएगा नहीं, बट क्रेट आपको मिल जाएगा। और एक क्रेट ओपन करोगे तो रैंडमली आपको कुछ मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप मिलिट्री बेस तरफ जाते हो तो आपको एक टावर में क्रेट मिल जाएगा, उसमें चढ़ोगे तो आपको एक क्रेट मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ एक और लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है आपका प्रिज्मॉक, ठीक है। तो ये वाला एरिया में जाओगे, शॉप सेक्शन में जाओगे तो आपको ये क्रेट मिल जाएगा। तो गाइस मेरे पास टाइम थोड़ा कम था इसलिए मैं आपको केवल तीन ही क्रेट दिखाया, बट ये सब क्रेट भरा पड़ा हुआ। स्कूल एरिया में जाओ, उसके यसनाए में जाओ, नोवर अपने जॉर्जियो सिटी में जाओगे तो ये सब क्रेट आपको मिल जाएगा। और ये सब क्रेट में ज़्यादा लोग नहीं आता तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है आपको ईजिली ये मिल जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, तो मैं आपको तीनों कैटेगरी बता दिया, तीनों कैटेगरी में से कोई भी कैटेगरी का यूज़ करो और आपको ये मिल जाएगा। आर्ट आपको कलेक्ट करना है एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्नोमैन कलेक्ट करने से आप देख पर हम लोग को सिल्वर, उसके साथ साथ ये ग्राफिटी मेरा फटाफट से कलेक्ट कर लेते हैं। ओके ये कलेक्ट हो चुका है, उसके बाद हम लोग ये कलेक्ट कर लेंगे स्नोबोर्ड। उसके बाद आप देख पा रहे एंशिएंट सीक्रेट, भाई कुछ कुछ सामान ना आपको मिलने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगता है। जैसे मेरे को मेरे दोस्त को पिरामिड नहीं मिल रहा था और मेरे को तीन चार बार पिरामिड मिल गया था, तो इस तरह का भी हो सकता है। और आप अपने फ्रेंड को दे नहीं सकते ये चीज़ क्योंकि वो बैग से गिरेगा नहीं। मुझे ये जो वुड क्रेट देख पा रहा हूँ ये सबसे लास्ट टाइम मिला, ये मिल ही नहीं रहा था मेरे को। कुछ कुछ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कभी कभी आपका हो जाएगा, बट कोई नहीं, हार नहीं मानना है। और उसके बाद आप देख पा रहे हो ये है हम लोग का लास्ट आर्केड मशीन, तो फाइनली ये चीज़ हो चुका। और इधर आप देख पा रहे हो हम लोग को मिल चुका है ये 8x8 हो चुका है, इसका कलेक्ट प्रोग्रेस, इसमें हम लोग क्लिक करते और फाइनली हम लोग ये टाइटल मिल गया है जिसका नाम है C2S5 बॉक्स कलेक्टर, ठीक है। ओके कर देते हैं, तो चलो हम लोग इसमें प्रोफाइल में जाते हैं। कल ही एक टाइटल मिला, आज वापस से एक टाइटल मिला, नाइस, डेली का डेली टाइटल हो जा रहा है। ओके इधर आप देख पा रहे हो हम लोग को ये नहीं है तो डोमिनेटर वाला मिला, इधर आप देख पा C2S5 बॉक्स कलेक्टर हम लोग को मिल चुका है। अनलिस्ट द पावर ऑफ कलर इन द होली फेस्टिवल, ठीक है, ये हम लोग एक्सक्लूसिव टाइटल मिल गया जो कि बहुत ही ओपी बात है। और पबजी यूजर का एनिवर्सरी टाइटल मिल गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैं बता दिया, तो फाइनली हम लोग को ये चीज़ मिल चुका है अनलिस्ट द पावर ऑफ कलर इन द होली फेस्टिवल। इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, शेयर करोगे तो इधर दिख जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलो अभी हम लोग YouTube से चार लकी गिव अवे विनर निकाल लेते हैं रैंडम कमेंट पिकर से। तो इधर आप देख पा रहे हो कि हम लोग अपना जो वो वीडियो जिसमें मैं आपको कमेंट करने बोला था उसका लिंक को कॉपी कर लेते हैं, उसका ये जो वेबसाइट है रैंडम कमेंट पिकर, इसमें हम लोग चल जाएंगे और इधर हम लोग वो पेस्ट कर देंगे डुप्लीकेट कमेंट या डुप्लीकेट यूज़र को हम लोग फिल्टर कर लेंगे। तो नियर अबाउट 3,000-3,500 का कमेंट आया था, बट आपको मैं बताया था कि बहुत ज़्यादा स्पैमिंग भी होता है तो स्पैम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो फाइनल रिजल्ट निकला 1609 बोल सकते हो कमेंट्स था। तो जैसे कि मैं बोल रहा था आपको आईडी डालना होगा और आपका जो वर्जन डालना होगा, बट पहला जो बंदा है अनफॉर्चुनेटली वो नाइस लिखा था कमेंट में, अपना आईडी नहीं डाला था, तो अनफॉर्चुनेटली वो जीत के भी उनको नहीं मिला। तो इसलिए आप जब मैं बोलता हूँ कि आपको कैरेक्टर आईडी डालना तो कैरेक्टर आईडी डालिए वही वीडियो में, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन जीता है। तो जिन जिन बंदे का नाम आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू नेम, आपको दोपहर तक आपको यूसी मिल जाएगा आपके आईडी में और आप उससे रॉयल पास परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों लकी विनर का नाम आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा देता फास्ट फॉरवर्ड में। और अगर आपको ये गिव अवे का प्रूफ देखना है, मतलब यूसी गया है कि नहीं, तो उसके लिए आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, मैं इसका प्रूफ अपलोड कर दूंगा और आपको दिख जाएगा। और यूज और इवन डिस्कॉर्ड का जो रिजल्ट है वो 1 बजे के आसपास आ जाएगा, तो एक ही साथ मैं 5-6 बंदे को रॉयल पास गिव अवे कर दूंगा या यूसी गिव अवे कर दूंगा वही सेम अमाउंट का, ठीक है। तो चलो फिलहाल के लिए ये वीडियो को हम लोग इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच एंड अगेन वंस अगेन ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम जो जो बंदे ये लोग जीते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।